ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो यार आप सब। सो गाइस आज की वीडियो ना बहुत ही मतलब कमाल की होने वाली है। आज मैं आपके लिए ऐसा ऐप लेके आया हूं ना, इस ऐप से ना आप अपनी मतलब वीडियो बिल्कुल स्मूथ तरीके से स्लो मोशन शूट कर सकते हो। गाइस जो हम डायरेक्टली स्लो मोशन वीडियो शूट करते हैं ना, उसमें और ही मजा है बिल्कुल यार। मैंने इस ऐप को जब देखा ना, तो गाइस यार ये ऐप इतना स्मूथ स्लो मोशन वीडियो बना रहा है गाइस, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा ऐप है। तो गाइस मैंने सोचा यार आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ऐप है, मैं इकल्ला यूज नहीं करता हूं, आपको जरूर बताता हूं कोई अच्छा ऐप होता है तो। गाइस तो मैं यार इस ऐप के बारे में देखो बहुत ही मतलब स्मूथ तरीके से ये स्लो मोशन करता है। तो गाइस चलो सीधे ऐप में चलेंगे। और गाइस मैं आपको ये बता दूं, मैं इस ऐप से गाइस मैंने वीडियो शूट की है, ये देख सकते हो। और इसमें जगह जगह पे मैंने फास्ट मोशन जो लगाए ना, वो काइन मास्टर से लगाए। जब हम काइन मास्टर से वीडियो एडिट करते हैं ना, तो उसमें जब स्लो मोशन लगाते हैं ना, तो जगह जगह पे मतलब कटती है वीडियो, अटक अटक के चलती है, जैसे कुछ हो गया हो पैरों में, ठीक है, वो मतलब स्लो मोशन हो ही नहीं पाता है अच्छा वाला। तो गाइस इस ऐप से मतलब स्मूथ वाला स्लो मोशन हो रहा है। एग्जाम्पल में वीडियो देख सकते हो, मैंने मेरे भाई है ये। तो गाइस मैंने इस ऐप से एडिट किया काइन मास्टर से। तो गाइस कुछ सेटिंग करनी पड़ेंगी इस ऐप में, जिससे हमारी वीडियो मतलब बिल्कुल फुल एचडी में शूट हो पाया बहुत ही अच्छी। तो मैं सेटिंग बता देता हूँ कैसे शूट करना है वीडियो, वो भी बता दूंगा। तो सीधे ऐप में चलते हैं, लास्ट में मैं ऐप का नाम भी बता दूंगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। और चलते हैं सीधे ऐप में। ओके सो गाइस मैं ऐप में आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद में कुछ इस तरीका का इसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा। गाइस यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले इसकी सेटिंग्स कर लेनी है, उसके बाद में मैं आपको कैसे आपको स्लो मोशन वीडियो शूट करनी है वो बताऊंगा। गाइस तो आपको यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड यहाँ पर वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस वीडियो पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर आपको देखो बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा का ऑप्शन दिखाई देगा। तो गाइस आपको यहाँ पर अगर आपका फोन बड़ा है तो यहाँ पर 4K की क्वालिटी भी सकती है, तो आप 4K सिलेक्ट कर लेना, वरना यहाँ पर देखो मेरा HD फुल HD का आ रहा है, तो मैं यहाँ पर HD सिलेक्ट कर लेता हूँ, फ्रंट में भी एंड HD इसमें भी कर लेता हूँ, दोनों मतलब बैक कैमरे में और फ्रंट कैमरे में दोनों में यही सेट करना है। एंड नीचे जो आ रहा है बैक कैमरा हाई क्वालिटी, इस पे कर लेना है, ठीक है, और नीचे वाले पे भी यही करना है। बस यार इतना करने के बाद में नीचे आना है, एंड यहाँ पर आप माइक यूज़ कर रहे हो तो माइक कर लेना, वरना गाइस ऐसी रहने देना, ठीक है। अब इतना बस यहाँ से वापस जाना है। अब गाइस आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर वीडियो को शूट कैसे करना है स्लो मोशन में। तो गाइस आप इधर स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो आपको स्लो मोशन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। सो गाइस देख सकते हो स्लो मोशन मेरा डबल रिकॉर्डिंग मैं अभी नहीं कर सकता। देखो गाइस यहाँ पे स्लो मोशन का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल। और गाइस यहाँ से आप अपनी वीडियो को फोकस भी कर सकते हो स्क्रीन से मार मार के, देख सकते हो मेरा स्लो मोशन का इसमें ऑप्शन आ रहा है। अब गाइस इसी स्लो मोशन से क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ से स्लो मोशन में वीडियो बिल्कुल ईजी भी मैं शूट कर सकते हो। मतलब जैसे कि कोई चल के आ रहा है तो बिल्कुल स्लो मोशन में वीडियो शूट होगी। मतलब आपको पहले यहाँ पर जो है मतलब आओगे तो उस टाइम पे स्लो नहीं दिखाई देगी, जिस टाइम पे आप शूट करने के बाद में बिल्कुल स्लो हो जाएगी वीडियो। तो गाइस चलो मैंने पहले ही वीडियो शूट कर ली थी। अब गाइस यहाँ से अब वीडियो शूट करने के बाद में हम चलेंगे काइन मास्टर ऐप में कैसे इसको एडिट करना है। तो चलते हैं काइन मास्टर ऐप में। तो गाइस वीडियो शूट करने के बाद में काइन मास्टर एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है एंड 90:60 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। और गाइस यहाँ पर देखो मैंने कर लिया। अब यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना है। एंड गाइस यहाँ पे आपने जो वीडियो शूट किया है ना नॉर्मली उस कैमरे से फुटेज कैमरे से, तो वो वाली वीडियो यहाँ पर ले लेनी है। तो गाइस मैंने देखो यहाँ पर ये शूट कर ली थी, 35 सेकंड की वीडियो शूट हुई है, क्योंकि स्लो मोशन में करी थी इन्होंने पूरी। और गाइस जिस सॉन्ग पे गाइस आप वीडियो डालना चाहते हो टिकटॉक से, उसकी वीडियो शूट मतलब डाउनलोड कर लेनी है। एंड गाइस वो आपको यहाँ पर लेयर से लेके आनी है। सो गाइस ये वाली वीडियो थी, देखो कौन सी है। तो गाइस मैं चलो ये इसी सॉन्ग को लेना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। एंड गाइस नीचे जाना है आपको और एडजस्ट ऑडियो करके इसका मतलब ऑडियो नीचे कॉपी कर लेना है। अब गाइस इससे क्या होगा, हम सॉन्ग के हिसाब से इसमें स्लो और फास्ट लगा सकते हैं। तो देखो गाइस बिल्कुल स्लो मोशन में ये वीडियो है, पूरी बिल्कुल स्लो मोशन में वीडियो है गाइस, बिल्कुल ही स्लो मोशन में। तो गाइस इसमें हम फास्ट कैसे लगाएंगे जगह जगह पे, देखो बिल्कुल स्लो मोशन में। अब गाइस जहाँ इसमें हम ले आता हूँ मैं यहाँ तक, गाइस देखो यहाँ तक लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से गाइस जैसे मैं यहाँ से नीचे सीढ़ी में पैर रखूँ तो यहाँ से स्लो मोशन होना चाहिए, ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड गाइस कैची के निशान पर क्लिक करूँगा, स्लिप एट प्ले हेड कर दूंगा, ठीक है गाइस। अब जो पहला पार्ट है ना हम इसमें
फास्ट मोशन लगाएंगे, स्पीड पे क्लिक करेंगे एंड इसमें इधर को करके यहाँ पे फास्ट मोशन लगाएंगे। फास्ट तो बहुत अच्छा होता है, इससे देखो मैंने इतना इसमें फास्ट जितना जितना हो सके आप उतना लगा लेना। तो देखो मैंने इसमें फास्ट मोशन लगा लिया। ओके गाइस देख सकते हो अब ये गाइस फास्ट हो गया। अब यहाँ से गाइस जैसे ही हम नीचे को जाएंगे ना तो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। अब यहाँ तक देखो मुझे स्लो चाहिए, तो वो स्लो तो हमारा वीडियो शूट हुआ है गाइस पहले ही, तो यहाँ तक स्लो चाहिए ठीक है। अब इतना क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे फिर से मैं कैची के निशान पर क्लिक करूंगा, स्लिप एट प्लेहेड कर दूंगा एंड इतने के बाद हमें फिर फास्ट चाहिए यहाँ तक। चलो हमें फास्ट चाहिए यहाँ तक ठीक है। अब मैं फिर से क्लिक करूंगा एंड कैची के निशान पर क्लिक करूंगा, स्लिप एट प्लेहेड कर दूंगा और उस वाले ऑप्शन को मैं फिर से फास्ट कर देता हूँ स्पीड के ऑप्शन पे आकर के। तो देखो मैंने यहाँ पर फास्ट कर दिया। ओके गाइस देख सकते हो अब गाइस फिर से हमें इतने बीच में चलो स्लो चाहिए ठीक है। अब इतने बीच में हम स्लो रहने देते हैं यहाँ पर, इतने बीच में स्लो एंड गाइस अब जो है अब मैं इसको फिर से स्लिप एट प्लेहेड कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा स्लो हो गया ठीक है। अब इसको हम फास्ट कर देते हैं इतना जितना भी बच रहा है ना, और बाकी जो फालतू पार्ट है हम काट देते हैं यहाँ से, इसको हम फास्ट कर देते हैं ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर फास्ट कर दिया। अब गाइस हमारा वीडियो बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है, मैं आपको वीडियो प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ कैसा हमारा वीडियो बना है। तो गाइस जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो हमारा वीडियो यार बिल्कुल ही परफेक्ट वे में स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन बन चुका है। बस यार इसी तरीके से आपको इसमें इस ऐप की मदद से स्मूथ स्लो मोशन कर सकते हो। बस यार यही इसमें एडिटिंग करनी है एंड इसको आप एक्सपोर्ट करके और अपलोड कर सकते हो। सो गाइस जैसे कि यार आप सभी ने देखा कितनी स्मूथ तरीके से हमने इससे स्लो एंड फास्ट वाली बहुत ही अच्छी वीडियो बना ली है। आपको पता है टिकटॉक पर स्लो एंड फास्ट वाली कितनी वीडियो चलती है। तो गाइस अब मैं बता देता हूँ आप सभी को इस ऐप का नाम क्या है। तो इस ऐप का नाम है फुटेज कैमरा, आपको प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री मिल रहा है। वैसे तो हमें कोई फ्री में कोई चीज देता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ऐप जो है हमें प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री मिल रहा है, आप इसको यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा, इस ऐप से आप स्लो मोशन एंड मतलब काइन मास्टर में एडिट करके फास्ट लगा सकते हो। इस ऐप से बिल्कुल स्लो मोशन वाली वीडियो शूट कर सकते हो। सो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, बहुत मेहनत करके आपके लिए कोई ऐप ढूंढ रहा हूँ। तो मिलता हूँ यहाँ पर कोई नई वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड लव यू टेक केयर।